खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान 10 अप्रैल को भड़के दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी। उन्होंने मंगलवार को मोहन टाकीज पर चक्का जाम किया। इसके बाद 1 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं साजिदा, सलमा, हाजरा और अफसाना ने बताया कि सोमवार रात को पुलिसकर्मी घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए, बेनाबालिगों को भी उठाकर ले गए जो दंगे में शामिल नहीं थे। महिलाओं ने पूछा कि पुलिस दिन की जगह अंधेरे में कार्रवाई क्यों कर रही है। महिलाओं ने कहा कि पुलिस ने पहले भी निर्दोष लोगों को जेल भेजा है, हिंदू समाज के लोगों पर कम केस दर्ज किए हैं, समाजजनों ने कई लोगों की नामजद रिपोर्ट की है, सबूत में वीडियो दिए हैं लेकिन केस दर्ज नहीं किया है, पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। इस बारे में एसपी ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, दबाव बनाने के लिए रैली निकाली है, एक तरफा कार्रवाई का आरोप गलत है, आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा है। मुस्लिम समाज की महिलाओं द्वारा एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है, मुस्लिम पुलिस प्रशासन द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बेगुनाह मुसलमान बच्चे जो मासूम 12-13 साल के उनको रातों से घरों से उठाया जा रहा है, उनको जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में उनको इतना मारा जा रहा है कि वो बोलने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पर यही मांग लेके आए थे कि जितने भी जो बिना पुलिस प्रशासन द्वारा बिना आइडेंटिफिकेशन के बिना सीसीटीवी फुटेज के जिन बेगुनाह बच्चों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन में जो हो रहा है ये एक तरफा कानून चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो हो रहा है पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडा करती है, ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे, अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो दिन में भी हो सकती है लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर, और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है, दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है, जैसे जानवरों को भी अगर कोई नहीं पीटता होगा इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा जाता है। बता दें खरगोन में मुस्लिम महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा भ्रमपूर्ण स्थिति शायद वहां हुई होगी, इसके लिए उन्होंने कल एसपी को ज्ञापन दिया था, स्थिति अब सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।